हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीआर व्हीकल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी द्वारा लॉन्च किया गया इर्टिगा के नए मॉडल के बारे में, जिसका नाम होगा इर्टिगा स्पोर्ट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, कुछ समय पहले मारुति सुजुकी ने अपनी नई एमपीवी अर्टिगा को लॉन्च किया था और अब कंपनी अर्टिगा में फिर से बड़ा बदलाव करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब कंपनी जल्द ही इर्टिगा स्पोर्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बेहतर माइलेज के लिए कंपनी इसमें HSVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को शामिल करेगी। दोस्तों कौन सी? HSVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हाल ही में इसकी टेस्टिंग के दौरान इधर उधर इसको देखा गया है। दोस्तों मारुति सुजुकी नई इर्टिगा स्पोर्ट में सिटिंग कंपार्टमेंट पर काम कर रही है। अब यह 6 सीटर एमपीवी के रूप में आएगी। इसकी दूरी रो में कैप्टन सीट का प्रयोग किया गया है। इसके फ्रंट रो में बकेट सीट देखने को मिलेगी। टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किए गए मॉडल के अनुसार यह बेहद स्पोर्टी मॉडल होगा और इसमें फैमिली को ध्यान में रखते हुए फीचर्स को जोड़ा जाएगा। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नया मॉडल ज्यादा प्रीमियम होगा दोस्तों। वहीं इसके एक्सटीरियर को लेकर इसकी इंटीरियर तक काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि कंपनी इसे इस साल के फैक्ट्री सीजन में लॉन्च कर दे। तो दोस्तों बात करते हैं कि नया मॉडल लॉन्च क्यों किया कंपनी ने। तो मारुति की पहले जनरेशन की आर्टिका को काफी समझदारी के साथ बनाया गया था दोस्तों। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद उस कार में 7 पैसेंजर आराम से बिठाए जा सकते थे। किफायती होने के साथ साथ वो आकर्षक भी दिखाई देती थी। हालांकि उसमें छोटी मोटी कमियां जरूर थी दोस्तों, जिसके बारे में शायद आप जानते भी ना हो। जैसे कि कार का बूट स्पेस काफी कम था। कार की थर्ड रो यानी इसमें एकदम पीछे देगी सीटों पर बैठने में आज भी काफी परेशानी आ रही है। तो दोस्तों कार के फेल हो जाने का प्रमुख कारण रहा कि उसका लुक किसी टैक्सी कार के जैसा था। कुल मिलाकर कार अच्छी थी। मारुति ने उसे बंद करने की बजाय एक नए अवतार में लोगों के सामने पेश करने की सोची। अब अर्टिगा नए जनरेशन कार के रूप में बाजार में उतर गई है और पहले से कहीं ज्यादा ये बेहतर है। दोस्तों नई अर्टिगा का केबिन स्पेस और कॉम्पैक्ट लुक इसको एक आदर्श फैमिली कार बनाता है। इसकी कीमत मुकाबले में मौजूदा कारों से थोड़ी कम ही है। वहीं मारुति की आफ्टर सेल सर्विस इस पूरे पैकेज में और जान डाल देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि कई मायनों में नई अर्टिगा पुरानी से बेहतर है। बाहर कार से जितनी लंबी और चौड़ी है, उतना ही चौड़ा इसका केबिन स्पेस भी है। ताकतवर होने के साथ इसका इंजन ज्यादा माइलेज देने का भी दम रखता है दोस्तों। दूसरी जनरेशन अर्टिगा को एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके बाद कार का वजन कुछ हल्का ही हुआ है। कार में पहले से फीचर्स कुछ ज्यादा दिए गए हैं और इसकी कीमत को भी किफायती ही रखा गया है। दोस्तों पहली जनरेशन के मुकाबले में नई अर्टिगा सड़कों पर ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचती है। कार की फ्रंट ग्रिल पर क्रोम स्ट्रिप का ज्यादा इस्तेमाल शायद हर किसी को पसंद ना आए, मगर इससे नई अर्टिगा ज्यादा आकर्षक दिखती है, दिखने में सुंदर लगती है, खूबसूरत लगती है। दोस्तों कार के फ्रंट बम्पर और हैंडलैप की डिजाइनिंग भी शानदार है। हालांकि डे टाइम रनिंग लाइट नहीं दी गई है। अमूमन हैंडलैप के अंदर लगाई जाने वाली DRL से कार को आधुनिक बनाया जा सकता था। यह DRL कार को प्रीमियम लुक देने का भी काम करती है। तो दोस्तों इसकी एक कमी भी सब उभर कर सामने आती है कि इस कार के अंदर DRL का प्रयोग नहीं किया गया। इससे हम कार को ज्यादा आधुनिक या मॉडर्न बना सकते थे। इसके अलावा फ्रंट के मुकाबले में नई अर्टिगा का रियर और भी ज्यादा अच्छे डिजाइन से बनाया गया है। नए ट्रेंड के हिसाब से कार के स्टाइलिश हैंडलैप की डीलिपर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नई आर्टिगा की चौड़ाई 40 मिलीमीटर तक बढ़ाया गया है, मगर इसकी चौड़ाई का अंदाजा आपको तभी होगा जब आप पहली जनरेशन आर्टिगा को लाकर खड़ा कर देंगे इसके सामने। और दोस्तों इसकी चौड़ाई का अंदाजा हम ड्राइवर पर बैठने के बाद भी लगा सकते हैं। नई आर्टिगा उतनी ही चौड़ी है जितनी की डिजायर है। ऐसे में यह कार सिटी में चलाने पर उतनी आसान लगती है जितनी की स्विफ्ट और डिजायर कार हमें चलाने में आसान लगती है। कार की ड्राइविंग पोजीशन को ऊंचा रखा गया है, जिससे ड्राइवर को ट्रैफिक का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों पहले जो लोग मारुति की स्विफ्ट या डिजायर से अपग्रेड होकर अर्टिगा खरीदने की सोचते थे या जो खरीदते थे, उन्हें कार में इंटीरियर पुराना ही मिलता था, मगर अब ऐसा नहीं है दोस्तों। नई अर्टिगा के इंटीरियर को एकदम अलग डिजाइनिंग मिली है। स्विफ्ट और डिजायर की तुलना में नई अर्टिगा का डैशबोर्ड एकदम अलग है। कार के इंटीरियर में बड़े फीचर अपडेट की बात करें तो दोस्तों इसमें फ्लेम बॉटम स्टीयरिंग, कूल कप होल्डर, फ्रंट आर्म रेस्ट और एक क्लाइमेट कंट्रोल को जोड़ा गया है। बात करें अगर प्लास्टिक क्वालिटी की, तो यह नई अर्टिगा में भी बरकरार रखी गई है। कार के दरवाजों में अब आपको नए स्मार्टफोन को रखने की जगह भी दी गई है। दोस्तों नई अर्टिगा का आकार बढ़ने के साथ इसके केबिन का भी स्पेस बढ़ा है। जैसे कि बात करते हैं सेकेंड रो में शोल्डर रूम 30 mm बढ़ गया है, वहीं हैंड रूम में भी 10 mm का इजाफा हुआ है। सीटों की चौड़ाई भी पहले से 50 mm तक बढ़ी है, जिसमें सेकंड रो में बैठने वाले 3 पैसेंजरों को आराम से जगह मिल जाती है बैठने को, उनको आराम ज्यादा मिलता है। अगर दोस्तों हम कार की थर्ड रो की बात करें
तो अच्छी कद काठी वाले वयस्कों के लिए इससे अच्छी खासी जगह इसमें बनाई गई है। पुरानी अर्टिगा के मुकाबले नई अर्टिगा में न्यूनतम नी रूम 550 मिलीमीटर से 610 मिलीमीटर तक बड़ा है, मगर पहले के मुकाबले अधिकतम नी रूम 780 एमएम से घटकर 725 एमएम ही रह गया। कुल मिलाकर कार के पीछे की रो में बैठने वाले सभी पैसेंजर बिना परेशानी के अपने घुटनों और पैरों को आराम दे सकते हैं। ऐसा आराम पुरानी अर्टिगा में नहीं मिला करता था। और दोस्तों अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो नई अर्टिगा में 209 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, जिसे 803 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। 209 लीटर के बूट स्पेस में आप पीछे दो ट्राली बैग आराम से रख सकते हैं। कार में यदि किसी पैसेंजर के साथ ज्यादा लगेज है तो आप इसकी दोनों रो को मोड़कर काफी अच्छा बूट स्पेस तैयार कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम नई अर्टिगा के कुछ मॉडर्न जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तों नई अर्टिगा में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे कि हम एबीएस नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, आइफोफिक्स साइड सीट माउंट और फ्रंट सीट प्रीटेंशन लोड्स लिमिटेड्स के साथ स्टैंडर्ड भी दिए जा रहे हैं। साथ स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स को भी स्टैंडर्ड में रखा गया है। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड जैसे अत्याधुनिक फीचर मिल रहे हैं, जिससे कि ये फीचर्स दोस्तों कार को मॉडर्न बनाते हैं, मॉडल से अलग बनाते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इस मॉडल की वेरियंट्स की तो नई अर्टिगा 4 वेरियंट एल, वी, जेड और जेड प्लस में उपलब्ध है। ये सारे वेरिएंट पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलते हैं। कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प है, मगर वो केवल 1.5 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलता है। मतलब दोस्तों जो ऑटोमेटिक गियर चेंज वाला सिस्टम है वो आपको केवल 1.5 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगा, अदरवाइज सारे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलेंगे। पेट्रोल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन कार केवी और जेड में ही मिलती है। नई अर्टिगा का बेस्ट वेरियंट दोस्तों एल में मिलने वाले फीचर को देखते हुए इसकी कीमत काफी समझदारी के साथ तय की गई है। हालांकि कार के एलएक्सआई वेरिएंट को 7 लाख रुपए रखा जा सकता था, जो कि 44,000 रुपए ज्यादा में आ रही है। बेस वेरिएंट के अलावा कार का टॉप वेरिएंट जेड भी उतनी ही कीमत के हिसाब से उम्मीदों पर खरा उतरता है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके मॉडल्स की प्राइस की। तो अर्टिगा ZXI 80 जिसकी कीमत रहेगी 10,13,000 रुपए और जिसकी माइलेज रहेगी दोस्तों 17.99 किलोमीटर प्रति लीटर ऑटोमेटिक, और अल्टिगा ZXI प्लस जिसकी कीमत रहेगी 9,71,000 रुपए और इसकी माइलेज रहेगी करीबन 19 की। अल्टिगा VXI 80 की बात करते हैं दोस्तों तो वो 9,36,000 रुपए की पड़ेगी और इसकी माइलेज रहेगी 17.99 किलोमीटर। अर्टिगा ZXI की बात करते हैं दोस्तों तो यह पड़ेगी लगभग अपने को 9,17,000 रुपए की और इसकी माइलेज 19 के आसपास रहेगी। अर्टिगा VXI की बात करते हैं दोस्तों तो यह थोड़ा सा कम रेट में आती है 8,34,000 रुपए में और इसकी माइलेज भी 19 के आसपास ही पड़ेगी। और अर्टिगा LXI की बात करते हैं दोस्तों तो यह 7,59,000 रुपए में पड़ता है और इसकी माइलेज भी 19 के आसपास ही रहती है। दोस्तों बात करते हैं मारुति अर्टिगा के स्पोर्ट रंग की, तो यह कुल मिलाकर दोस्तों हमें 5 कलर्स में उपलब्ध है। इनमें पर्ल आर्क व्हाइट, मेटेलिक सिल्ली सिल्वर, पर्ल मेटेलिक अर्बन रेड और पर्ल मेटेलिक ऑक्सफोर्ड ब्लू, मेटेलिक मैग्रा ग्रे। दोस्तों बात करते हैं इसके थोड़े मुख्य स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों फ्यूल टाइप पेट्रोल रहेगा, जो इंजन डिप्लेसमेंट जो सीसी की बात करते हैं इंजन की तो वो 1462 रहेगी। अधिकतम पावर जिसमें हम बीएचपी और आरपीएम में देखते हैं तो 103 बीएचपी और 6000 आरपीएम में यह हमारे पास है। और अधिकतम जो टॉर्क होता है एनएम और आरपीएम में वो रहेगा 138 एनएम और 4400 आरपीएम के अंदर। और सीटिंग कैपेसिटी दोस्तों इसकी पहले बताया कि 7 है। और ट्रांसमिशन टाइप दोस्तों आपको पहले बताया कि ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक केवल पेट्रोल वाले में ही आपको मिलेगा, बाकी डीजल में ये मैनुअल मिलेगा। बूट स्पेस दोस्तों 209 लीटर है इसका और फ्यूल टैक्स क्षमता 45 है। बॉडी टाइप की अगर बात करें दोस्तों तो MUV इसकी बॉडी टाइप है दोस्तों। तो दोस्तों इस कार के हमने लगभग सारी खूबियां तो जान ली है, अब थोड़ी सी नजरें डाल लेते हैं इसकी कमियों के ऊपर, खामियों के ऊपर। तो दोस्तों क्रूज कंट्रोल, ऑटो अप ड्राइवर विंडो, ऑटो हैंड लैंप, ऑटो वाइपर, एडजस्टेबल स्टेयरिंग जैसे फीचर्स की हमें इसमें कमी दिखाई दे रही है। कार में 4 या 6 भी एयरबैग हम दिए जा सकते थे, जबकि इसमें केवल फ्रंट के 2 ही एयरबैग दिए जा सकते हैं। और दूसरी रो में बैठने के लिए रूफ माउंटेन एसी वेंट दिए गए हैं, मगर दोस्तों तीसरी रो में बैठने वाले पैसेंजर के लिए अलग से कोई एसी वेंट नहीं है। आप इसे प्रीमियम 7 सीटर कार नहीं कह सकते, इसकी तुलना में दोस्तों महिंद्रा मराजो एक बेहतर विकल्प है। कार में ऑटोमेटिक डीजल इंजन का विकल्प भी नहीं दिया गया है, मारुति विटारा ब्रेजा की तरह नई अर्टिगा में भी AMT का विकल्प दिया जा सकता था। तो दोस्तों अगर मारुति अर्टिगा BS6 CNG में दिए गए फीचर्स की बात करें तो पहले की तरह इसमें अब भी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, मोनोक्रोमेटिक
TFT कीलेस एंट्री, स्टेयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल वाला बटन ऑडियो सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के लिहाज से इसमें MPV के CNG वेरिएंट में ड्यूल फ्रंट एयरबैग, ABS एवं EBD, ABS आपको पहले ही बताता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, IFO6, साइड सीट एंकर, स्पीड अलर्ट, रियर पार्किंग और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर स्टैंडर्ड ही दिए गए हैं। और दोस्तों अगर इसके हम सर्विस कॉस्ट की बात करें तो वो करीबन 4,000 रुपए के आसपास सर्विस कॉस्ट इसकी बैठती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी दिखाएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।